इस कहानी की शुरुआत में हमें रेगिस्तान को दिखाया जाता है, जहां डेव नाम का एक जलीय जीव एडवाक अपने बेटे फिनी के साथ रहता था। डेव अपने सामान को पैक कर रहा था, तभी वहां फिनी आता है। वो अपने डैड से कहता है कि मैंने पहली बार कुछ दोस्त बनाए जिनके साथ मुझे काफी मजा आया। डेव कहता है कि हमें घर छोड़कर जा रहे हैं। फिनी घर के अंदर जाता है और कहता है कि मैं घर छोड़कर नहीं जाऊंगा, क्योंकि घर आपने अभी बनाया है और आप हमेशा नई जगह घर बनाते हैं, जिसकी वजह से मेरे कोई दोस्त नहीं बनते। डेव कहता है कि इस बार मैं अपनी मर्जी से नहीं जा रहा, सभी जानवर को एक जगह बुलाया जा रहा है क्योंकि एक भयानक बाढ़ आने वाली है। फिनी कहता है कि रेगिस्तान में बाढ़ नहीं आती, तभी अचानक मौसम खराब होते ही बारिश आने लगती है। फिनी अपने डेट की बात मान लेता है और छाता लेकर वहाँ से जाने लगता है। फिनी और डेव सभी जानवरों के पास जाते हैं, जहाँ सब बाढ़ से बचने के लिए इकट्ठा हुए थे। जानवरों की सभा में शेर, जो कि सभी का राजा है, वो सभा में आता है और कहता है कि हम सभी जानवर मिलकर आने वाली तबाही से लड़ेंगे, और बताता है कि मौसम बिगड़ रहा है और बाढ़ आने वाली है जिससे कि सब डूब जाएगा। शेर बताता है कि नोआ नाम के आदमी ने बाढ़ से बचने के लिए सभी जानवरों को एक नाव गिफ्ट दी है और उसका कैप्टन मैं हूँ। नोआ ने नाव में आने वाले जानवरों के लिए कुछ नियम बनाए हैं जिससे सभी को मानना होगा। नोआ का नियम है कि कोई भी मांसाहारी जानवर किसी शाकाहारी जानवर को नहीं खाएगा। फिनी को एक शेर खाने के लिए पकड़ लेता है, लेकिन डेव कैप्टन से कहकर अपने बच्चे को उससे छुड़ा लेता है। कैप्टन कहते हैं कि जिसका भी लिस्ट में नाम होगा वही नाव में आ सकता है। अगले दिन कैप्टन अपने साथियों के साथ लिफ्ट में एक एक करके सभी जानवरों के नाम चेक करता है और उन्हें नाव में जाने देता है। डेव कैप्टन के पास जाता है। कैप्टन डेव से उसके बारे में पूछता है। डेव कहता है कि मैं एक नेस्टियन हूँ। कैप्टन कहता है कि तुम वही जानवर हो जो डर लगने पर अपनी नाक से गैस छोड़ता है, इसीलिए तुम नाव में नहीं आ सकते और तुम्हारा लिस्ट में भी नाम नहीं है। ये सुनकर डेव डर जाता है और वो नीली गैस छोड़ता है। कैप्टन उसे बाहर भेज देते हैं। वहीं ग्रीन प्रजाति के दो जानवर जिनका नाम हेजल और लिया होता है, उन्हें नाव में जगह मिल जाती है। फिनी अपने पिता से पूछता है कि हम भी नाव पर जा सकते हैं। डेव फिनी से झूठ बोलता है कि हम भी नाव पर जाने वाले हैं। डेव अपने लिए एक घर बनाता है जिसे देखकर फिनी समझ जाता है कि उन्हें नाव पर जगह नहीं मिली और उदास होता है। डेव फिनी से प्रॉमिस करता है कि वो नाव पर जरूर जाएंगे। अगले दिन सभी जानवर जिनका लिस्ट में नाम था वो नाव पर जाने लगते हैं। दो ड्रैगन नाव में जाते हैं। गार्ड उन्हें कहता है कि तुम्हें लाइन से आना होगा। एक ड्रैगन बोलने की कोशिश करता है तो उसके मुंह में गार्ड को एक चूहा दिखता है। गार्ड चूहे को बाहर निकालने कहता है। ड्रैगन चूहे को निकाल देता है, लेकिन वो गार्ड को गुस्सा दिला देते हैं, जिस वजह से गार्ड उन्हें लात मार कर बाहर फेंक देता है। डब और फिनी नारियल को अपने मुंह के आगे लगा लेते हैं और ग्रीम्स बनकर नाव में जाते हैं। हेजल उन्हें देखकर कहती है कि तुम ग्रीम्स नहीं हो, और वो गार्ड से कहती है कि ये ग्रीम्स नहीं है और झगड़ने लगते हैं। गार्ड सभी को अंदर जाने देता है। चिंपैंजी जो नाव में वेटर है सभी को अपने कमरे दिखाता है। नाव में सभी जानवर खुश थे क्योंकि वो बाढ़ में डूबने से बच गए। हेजल और डेव को एक ही कमरा मिलता है क्योंकि सभी जानवर उन्हें पति पत्नी समझ रहे थे। फिनी लिया से कहता कि तुम मुझसे मत लड़ो, हम भाई बहन है। लिया वहाँ से चली जाती है। फिनी लिया से कहता कि हमें नाव के ऊपर नहीं आना चाहिए था। लिया कहती है कि मुझे बाढ़ को देखना है, और वो गार्ड को चकमा देकर नाव के ऊपर चली जाती है। फिनी भी उसके पीछे जाता है। गार्ड दोनों को देख लेता है और उनसे कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फिनी और लिया भागने लगते हैं। गार्ड भी उनके पीछे भागता है। लिया गार्ड को डराकर भगा देती है और वहाँ बाढ़ आ जाती है। कैप्टन नाव को लेकर चले जाते हैं। फिनी और लिया नीचे छूट जाते हैं। बाढ़ के पानी की वजह से दोनों पानी में गिरने लगते हैं। तभी उन्हें दो ड्रैगन आकर पकड़ लेते हैं। वो सोचते हैं कि ड्रैगन हमें नाव पर लेकर जा रहे हैं, लेकिन ड्रैगन उन दोनों को खाने के लिए आए थे। ड्रैगन फिनी को खा जाता है। ड्रैगन के अंदर जाने से फिनी डरता है, जिसकी वजह से वो नीली गैस छोड़ता है। ड्रैगन के मुंह से नीली गैस निकलने लगती है। लिया दूसरे ड्रैगन को काट लेती है और ड्रैगन फिनी और लिया को छोड़ देते हैं और वो नीचे पेड़ों में आकर गिरते हैं। वहीं हेजल और डेव अपने बच्चों को नाव में ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें बच्चे कहीं नहीं मिलते। फिनी लिया से कहता कि मैं काफी तेज भागता हूँ और हमें रात के लिए कोई घर बनाना होगा, मेरी वजह से तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लिया फिनी से कहती है कि हम ग्रीम्प हैं, हम अकेले रहते हैं, मैं अपना रहने का ठिकाना ढूंढ लूंगी और सुबह हम अलग हो जाएंगे। लिया पत्ते का एक घर बनाती है, लेकिन पानी की वजह से वो भीग जाती है और वो फिनी के पास जाती है। फिनी बाहर आता है। लिया उसे देखकर कहती है कि तुम चमक रहे हो। फिनी कहता है कि अंधेरे में हमें ऐसी लाइट जलती है। फिनी लिया को अंदर आने को कहता है और लिया से कहता है कि हम घर को चुटकियों में बना सकते हैं।
हैं क्योंकि हम बंजारे हैं और हम इधर उधर भटकते हैं। इस वजह से मेरा कोई दोस्त नहीं। लिया कहती है कि मैं बस आज रात यहाँ रुक रही हूँ, लेकिन हम दोस्त नहीं है। वही नाव में हेजल और डेव बच्चों को लेकर परेशान होते हैं। चिंपैंजी उनके पास आता है और कहता है कि आपके बच्चे मिल गए, और हिप्पो के बच्चों को लाता है। डेव कहता है कि हमारे बच्चे नहीं है, और डेव के ग्रिम्स के नकली कपड़े खुल जाते हैं। गार्ड हेजल और डेव को दूसरे कमरे में डाल देता है और कैप्टन को बुलाता है। कैप्टन उनसे पूछता है कि तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया। हेजल कहती है कि हमें शिप को मोड़ना होगा। कैप्टन उनसे मना करके वहाँ से चला जाता है और गार्ड से कहता है कि इन्होंने घुसपैठ की है, इनका फैसला बाद में करेंगे। हेजल गुस्सा होकर डेव को पकड़ लेती है। डेव कहता है कि तुम्हारी बच्ची की तरह मुझे मेरा बेटा भी ढूंढना है, इसीलिए मुझे छोड़ दो, हम उन्हें साथ में ढूंढते हैं। वहीं जंगल में पानी भर जाता है, इसीलिए फिनी एक नाव बनाता है और लिया से कहता है कि देखो मैं तुम्हारे कितने काम का हूँ। मगर हवा चलती है और नाव बह जाती है। दोनों उदास होते हैं। ड्रैगन फिर से उन पर हमला करते हैं। लिया वहाँ से भागती है, लेकिन फिनी नाव में ही होता है। लिया वापस आकर फिनी को बचा लेती है। ड्रैगन उन्हें मारने की कोशिश करते हैं। लिया और फिनी एक फिश के ऊपर जाकर गिरते हैं। फिश ड्रैगन को भगा देती है। फिनी फिश को अपना और लिया का नाम बताता है। फिश कहती है कि मेरा नाम ओबीसी है और उसके सर पर एक क्रिएचर होता है जो ओबीसी के सर पर रहता था, जिसका नाम स्टेपर्ट होता है। स्टेपर्ट फिनी से कहता है कि तुम दोनों नाव में क्यों नहीं गए। ओबीसी ने कहता है कि हमारी तरह तुम्हें भी नाव वालों ने बाहर निकाल दिया। फिनी कहता है कि तुम लोग भी हमारे साथ चलो, हम लोग एक बड़े से पहाड़ पर जा रहे हैं। लिया फिनी से कहती है कि ये लोग काफी धीरे चलते हैं, ये पहाड़ तक नहीं चल सकते। फिनी कहता है कि उन्होंने हमारी जान बचाई है, हमें उन्हें अपने साथ ले जाना होगा। फिनी ओबीसी से कहता है कि आज से हम सब दोस्त हैं। ओबीसी काफी खुश होता है और उनके साथ चलने लगता है। वहीं ड्रैगन पत्थर से एक पुल बनाते हैं और कहते हैं कि जैसे ओबीसी पुल से निकलेगा वो खाई में गिर जाएगा, फिर हम उसे खा लेंगे। ओबीसी और लिया डरने लगते हैं। फिनी उन्हें बताता है कि जब तक हम साथ हैं तब तक हमें कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम एक टीम है। लिया को फिनी की बातें सुनकर काफी गुस्सा आता है, क्योंकि उसे किसी का साथ पसंद नहीं होता। वहीं हेजल डेव पर गुस्सा होती है, क्योंकि उसकी वजह से उन्हें जेल में बंद कर दिया। डेव उसे बताता है कि हम कैप्टन को प्यार से मना लेंगे और उसे नाव को घुमाने को कहेंगे और हम बच्चों को बचा लेंगे। हेजल कहती है कि हम प्यार से किसी को नहीं समझाएंगे, मैं सभी को मारते हुए आगे चलूंगी और कैप्टन को मारकर नाव को घुमा लेंगे। डेव हेजल के साथ एक प्लान बनाता है और हेजल उसे मारने का नाटक करती है। डेव की आवाज सुनकर गार्ड आता है और दोनों को पकड़कर अलग करता है। हेजल और डेव कमरे से भाग जाते हैं और गार्ड को अंदर बंद कर देते हैं। दोनों नक्शे में देखकर कैप्टन के रूम की तरफ जाते हैं। गार्ड कमरे में से चिल्लाता है, जिसे सुनकर दूसरा गार्ड वहाँ पर आता है और रूम का दरवाजा खोल देता है। गार्ड कहता है कि दोनों घुसपैठियों ने मुझे फंसाया था, मगर मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। हेजल और डेव ऊपर लटके होते हैं, लेकिन डर की वजह से डेव के नाक से नीली गैस निकलती है और दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। गार्ड उन्हें ढूंढने लगते हैं। हेजल डेव को लेकर कैप्टन के पास पहुँच जाती है। हेजल डेव से कहती है कि मैं उसे मार कर नाव को घुमा दूंगी, तुम यही खड़े रहो। डेव कैप्टन को आवाज देता है। कैप्टन उसे अंदर बुलाता है। डेव से कहता है कि हमारे बच्चे पीछे रह गए और मेरे बेटे के सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, हमें नाव को फिर से घुमाना होगा। कैप्टन डेव से काफी परेशान हो गया था, इसीलिए उसे खाने लगता है। हेजल पीछे से आकर कैप्टन के सर में मारकर उसे बेहोश कर देती है। डेव एक बड़े से पहाड़ को देखता है और हेजल से कहता है कि बच्चे उस पहाड़ पर होंगे और नाव को उस तरफ घुमा लेता है। वहीं ड्रैगन खाई में नीचे ओबीसी के गिरने का इंतजार करते हैं। लिया और फिनी खाई को देखते हैं। फिनी कहता है कि हमें दूसरा रास्ता ढूंढना होगा, इस रास्ते से हम गिर सकते हैं। लिया कहती है कि तुमने ओबीसी की फालतू टोपी बनाने में हमें पहले ही लेट कर दिया है, अब हम इसी रास्ते से चलेंगे। ओबीसी कहता है कि क्या हमें थोड़ी देर रुककर आराम करना चाहिए। लिया कहती है कि हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि बाढ़ का पानी हमारी तरफ आ रहा है। लिया सभी को बताती है कि पहले पुल को मैं पार करूंगी, और वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, मगर पुल के पत्थर खिसकने लगते हैं। लिया कहती है कि एक एक को पुल पार करना होगा, मगर पुल के ऊपर सभी आ जाते हैं और पुल बीच में से टूट जाता है और सभी खाई में गिरने लगते हैं। ड्रैगन के ऊपर पत्थर गिरने से वो दब गए थे। ओबीसी की टोपी की वजह से वो हवा में उड़ने लगता है और सभी ओबीसी के ऊपर बैठ जाते हैं, लेकिन लिया ओबीसी के ऊपर नहीं बैठ पाती, इसीलिए ओबीसी के पीछे लटक गई थी। ओबीसी और सभी हवा में उड़कर खुश होते हैं और उड़कर पहाड़ के ऊपर जाने लगते हैं, लेकिन तेज हवा की वजह से ओबीसी की टोपी टूट जाती है और वो सभी नीचे गिर जाते हैं। ओबीसी को पहाड़ के ऊपर जाने का एक रास्ता
दिखाई देता है। लिया कहती है कि मैं अकेले ही पहाड़ के ऊपर जाऊंगी, अगर टीम के साथ रही तो मैं कभी ऊपर नहीं जा पाऊंगी। सभी लिया को साथ रहने को कहते हैं लेकिन वो अकेले ही चली जाती है। वही गार्ड कैप्टन के पास आता है मगर कैप्टन बेहोश था। हेजल और डेव मिलकर कैप्टन को रस्सी से बांध देते हैं और डेव टेबल के नीचे छिपकर कैप्टन की आवाज निकालता है। गार्ड कैप्टन से कहता है कि जिनको हमने पकड़ा था वो भाग गए। डेव कैप्टन की आवाज में कहता है कि जाकर ढूंढो उन्हें। गार्ड वहाँ से चला जाता है। हेजल कहती है कि हमें जल्दी से बच्चों को लेकर आना होगा वरना गार्ड को हम पर शक हो जाएगा। वही लिया अकेली पहाड़ के ऊपर जाती है और खुद से बातें करती हुई कहती है कि अगर मोम की बात मान लेती तो आज मैं मुसीबत में नहीं पड़ती। अचानक पत्थर खिसकने की वजह से लिया नीचे गिरती है और एक पेड़ पर लटक जाती है। ओबीसी वहाँ आता है और अपनी जीप को लंबी करता है जिसे पकड़ कर लिया ऊपर आ जाती है। लिया ओबीसी से कहती है कि मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया था लेकिन फिर भी तुमने मेरी जान बचाई। ओबीसी कहता है कि टीम का यही काम होता है और सभी वहाँ से जाने लगते हैं। ओबीसी और उसके साथी पहाड़ पर एक गुफा के अंदर जाते हैं जहाँ अंधेरे की वजह से फीनी की लाइट जल जाती है और वो सभी को रास्ता बताता हुआ आगे चलता है। ओबीसी ज्यादा चलने से थक गया था। लिया फीनी से कहती है कि ओबीसी को थोड़े आराम की जरूरत है इसीलिए वहीं रुक जाते हैं। लिया सभी को बताती है कि हम कल पहाड़ के ऊपर चढ़ेंगे। ओबीसी कहता है कि पानी बढ़ता जा रहा है और हम सब डूब जाएंगे, मुझे आज तक किसी ने दोस्त नहीं कहा, सभी ने मेरा मजाक उड़ाया। फीनी ओबीसी से कहता है कि हम सब तुम्हारे दोस्त हैं, हमें अब सो जाना चाहिए। फीनी पत्तों की बेलों से उसके और लिया के लिए झूला बनाता है और दोनों सो जाते हैं। वही डेव हेजल से कहता है कि हम जल्दी ही बच्चों को ढूंढ लेंगे। हेजल कहती है कि मैंने मेरी बच्ची पर हमेशा अपने रूल थोपे ताकि वो कमजोर ना रह जाए मगर आज वो खो गई है। अगले दिन फीनी देखता है कि गुफा में पानी घुस रहा है और वो सभी को गुफा से भागने को कहता है लेकिन ओबीसी एक छोटी सी चट्टान को नहीं कूद पाता। लिया उसके पीछे जाकर काटती है और वो चट्टान को कूद जाता है लेकिन अचानक तेज पानी की वजह से वो सभी पानी में बहने लगते हैं और गुफा के दरवाजे में आकर रुकते हैं। ओबीसी की वजह से पानी रुक जाता है लेकिन तेज पानी के बहाव से ओबीसी खिसकने लगता है और वो ड्रैगन के साथ पानी में गिर जाते हैं। लिया फिनी से कहती है कि अब हमें आगे बढ़ना होगा और वो पहाड़ के ऊपर पहुंच जाते हैं लेकिन बाढ़ का पानी पहाड़ के ऊपर आ जाता है और पहाड़ का एक टुकड़ा टूट जाता है और वो दोनों उसके ऊपर तैरने लगते हैं। हेजल डेव से कहती है कि पहाड़ अचानक गायब कैसे हो गया। फिनी लिया से कहता है कि मेरी वजह से तुम भी यहाँ फंस गई। लिया कहती है कि नाव से नीचे गिरने में मेरी गलती थी और तुम मेरे साथ नहीं होते तो मैं यहाँ तक नहीं आ पाती और फिनी को गले लगा लेती है। फिनी और लिया को नाव दिखाई देती है और वो उछलकर नाव को बुलाते हैं। फिनी लिया को डराने को कहता है। लिया उसे काट लेती है जिसकी वजह से फिनी के नाक से गैस निकलती है जिसे डेव देख लेता है और नाव को उनकी तरह मोड़ देता है। कैप्टन को होश आ जाता है और वो हेजल के साथ लड़ने लगता है और नाव को फिर से घुमाने की कोशिश करता है। कैप्टन हेजल को पकड़ लेता है और कहता है कि मुझे तुम्हें मारना ही पड़ेगा। डेव कैप्टन के ऊपर गैस छोड़ देता है जिससे कैप्टन फिर से बेहोश हो जाता है। नाव उस पत्थर से टकरा जाती है जिस पर फिनी और लिया थे। फिनी पानी में गिर जाता है, उसे बचाने के लिए डेव भी पानी में कूद जाता है। लिया अपनी माँ हेजल से कहती है कि आप फिनी को बचाइए, वो मेरा दोस्त है। हेजल पानी में कूदती है, उसके साथ लिया भी पानी में कूद जाती है। पानी में डेव फिनी को अपने हाथों में पकड़ता है और उसे कहते हैं कि मुझे छोड़कर मत जाओ और रोने लगता है। हेजल लिया को पानी से बाहर लेकर आ जाती है क्योंकि वो पानी में सांस नहीं ले पा रही थी। फिनी को होश आता है और अपने डेड से बातें करता है। डेव और फिनी समझ जाते हैं कि वो पानी के जीव हैं। फिनी लिया से कहता है कि तुमने देखा मुझे, मैं पानी में तैर सकता हूँ। ड्रैगन आकर हेजल और लिया को पकड़ते हैं। डेव ड्रैगन के पास जाकर गैस छोड़ देता है। डेव हेजल और लिया को पानी से बाहर ले जाता है। फिनी ड्रैगन को चकमा देता है और ने अपने पीछे दौड़ाता है और दोनों को एक जाल में बंद कर देता है लेकिन ड्रैगन जाल को काट देते हैं और फिनी के पीछे पड़ जाते हैं। डेव फिनी के पास उसे बचाने जाते हैं। ओबीसी वहाँ आकर ड्रैगन को खा जाता है। फिनी ओबीसी से कहता है कि तुम जिंदा कैसे हो, तुम तो डूब गए थे। ओबीसी कहता है कि मैं डूब नहीं सकता, मैं तो एक व्हेल हूँ। ओबीसी पानी से निकलता है और हेजल और लिया को अपने ऊपर बिठाकर नाव तक पहुँचा देता है। हेजल फिनी से कहती है कि तुमने मेरी बेटी की जान बचाई और तुमने बाकियों की भी जान बचाई, इसीलिए हेजल खुश होकर फिनी को गले लगा लेती है। चिंपैंजी फिनी से कहता है कि मैं आपको आपके कमरे तक छोड़ दूं। फिनी कहता है कि हमें हमारा घर मिल गया, अब हम इस नाव में नहीं रहेंगे और दोनों पानी में कूद जाते हैं और पानी में खूब मजे करते हैं। कैप्टन और उसके साथी डेव और फिनी
को देखते हैं और कहते हैं कि ये लोग पानी के जीव थे, इसीलिए इनका नाम लिस्ट में नहीं था और कहानी का हैप्पी एंड हो जाता है। और गाइस अगर आप ऐसी और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप एंड स्क्रीन पर क्लिक करके इन वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।